मम्मी है, मम्मी भी है, तो मम्मी भी है, इस थम में है, तलवार में है। खम में है, तलवार में है, और भोले के रोम रोम बसियो मेरे बाजा की जनता में। समझ में आया भोले क्या इस खम में भी है? बोले हाँ, मेरी तलवार में भी है। बोले हाँ, कड़कड़ में है। वो तलवार का प्रहार खम पर किया तो धड़ धड़ धड़कता हुआ वो खम फटा। नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोले नरसिंह भगवान की हिरण्यकश्यप को उठा करके प्रभु ने घुटनों पर रख दिया। और नीच याद कर तूने वरदान जो हमसे मांगी थी। बोल। तूने वरदान मांगा था ऊपर मरे न नीचे मरे। कहाँ हो बोले ऊपर है न नीचे। भगवान ने घुटनों पर रख लिया। तूने वरदान मांगा था न भीतर मरे न बाहर मरे। कहाँ है भगवान ने देहरी पर रख लिया। तूने वरदान मांगा था न दिन में मरे न रात में मरे। ये कौन सा समय है? बोले शाम का समय है। तूने वरदान मांगा था न नर से मरे न पशु से मरे। मैं कौन हूँ? बोले महाराज तुम तो दोनों हो, नर भी हो पशु भी हो, क्योंकि भगवान का सर शेर का था, शरीर मनुष्य का था। तूने वरदान मांगा था साल के 12 महीने में न मरे। ये लौड़ू महीना भगवान ने अलग से बनाया। याद रहे तूने वरदान मांगा था न अस्त्र से मरे न शस्त्र से मरे। मेरे पास कोई हथियार तो नहीं है, नहीं, लंबे लंबे नाखून से कलेजा चीर दिया। कलेजे से लग करके जो है भगवान तूफान करने लगे। भगवान के क्रोध को निहार करके सब लोग बड़े परेशान हैं। तो देव ऋषि नारद ने कहा है प्रह्लाद से, लाला जाओ भगवान के क्रोध को शांत करो। प्रहलाद चले, शरण स्पर्श किए, भगवान ने अपने भक्त को गले से लगा लिया। बोले भक्त श्री भगवान की जय। प्रहलाद बोले प्रभु आप तो हो लेकिन देर लगाए दे तो खुआरी करवावे में कसर न रही। नेक देर और ना आते तो हम तुम्हें धाम के लिए आए रहे। भगवान बोले बेटा मैंने तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ा। क्या मतलब? सुनो तेरे बाबुलनी तो मारन को जहर लला भिजवाओ। भाई जहर को तेरे
तेरे बाबुल ने दो बालन को अग्नि में जलवाओ तो बचाए के लला मिन पवन गुरु बनाओ लला तेरे बबुला ने दो बालन गुरु खम गरम करवाओ पर तो बचाए को मछरा में तो नरसिंह बन के तूने ओ बेटा मुख उल्टो ही तो सुलगाओ भगवान बोले बेटा मैंने तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ा वरदान मांगो प्रहलाद बोले प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए बस मेरे पिता को जो है उत्तम गति प्राप्त हो भगवान कहने लगे धन्य है बेटा प्रहलाद तुम्हें जिस पिता ने जो है सारी जिंदगी तुम्हें कष्ट दिया कलेश दिया इतना सताया मारने में कसर नहीं छोड़ी और उसके लिए तुमने अपने पिता का उद्धार ही मांगा धन्य है तुम्हारे जैसे पिता याद रहे बंधुओं इस कथा से ये सीख लेना